लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। नवी मुंबई महानगर पालिका कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रही है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे द्वारा उपलब्ध कराए गए एम्बुलेंस का लोकार्पण करते हुए दावा किया कि नवी मुंबई में अगले कुछ महीनों के भीतर ही 10 ऑक्सीजन प्लांट कार्यान्वित हो जाएंगे। इनमें से 5 का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही नई मुंबई करों के लिए 18 से 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सबक लेते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका ऑक्सीजन उपलब्धता पर जोर दे रही है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने आज दावा किया कि नवी मुंबई महानगर पालिका मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट कार्यान्वित करने की तैयारी में है। एक सवाल के जवाब में मनपा प्रशासक ने कहा कि 5 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का काम पूरा हो चुका है, जिन्हें जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं 5 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने की तैयारी है। आयुक्त ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने हमें इंतजामों को लेकर सतर्क कर दिया है, अब तीसरी लहर आनी तय है, इसलिए महानगर पालिका वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन जैसी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने पर जोर दे रही है। आयुक्त अभिजीत बांगर ने भरोसा दिलाया कि 10 ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से नवी मुंबई में 18 से 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, जो कोरोना मरीजों की जान बचाने में मददगार बनेगी। ऑक्सीजन इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट। सेकंड वेव में हमने देखा है कि ऑक्सीजन का जो नवी मुंबई में मैनेजमेंट हुआ है, जो अच्छा हुआ है, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रयास करने पड़े। अवेलेबिलिटी अगर है और अवेलेबिलिटी हम बढ़ाते हैं तो हमें थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो उसमें भी जो MLA फंड है, कॉरपोरेशन के खुद के फंड है, गवर्नमेंट के फंड है, ये सारे फंड के जरिए मल्टीपल ऑक्सीजन प्लांट हमने करने का अभी प्लान किया है। फिलहाल 5 प्लांट का काम चल रहा है, जो 1 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे। और कम से कम 5 प्लांट, मतलब इन ऑल कम से कम 10 PSA प्लांट जो कहते हैं, और 10 प्लांट के जरिए 18 से 20 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कॉरपोरेशन एरिया में की जाएगी, इसका हमने यहां पे प्लानिंग किया है। बताना जरूरी है कि 3 महीने पहले राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे और विधायक गणेश नाइक ने भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1-1 करोड़ की विधायक निधि प्रदान की। आयुक्त ने कहा कि विधायकों से मिली इस निधि से कोरोना को रोकने और नवी मुंबईकरों को बेहतर आरोग्य सेवा देने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।